हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज की वीडियो के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास में, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9 17 25 के कितने पदों लेने होंगे। तो यहाँ पर अपने को कितने पद लेने होंगे, मतलब एन का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अपने को एस एन दे रखा है कितना, 636। एपी कितनी दे रखी है अपने को, एपी दे रखी है दोस्तों यहाँ पर 9, 17 और 25। किसमें कितने पदों का योग 636 है वो ज्ञात करना है अपने को। तो एपी है ये। अब इसका प्रथम पद क्या है, ए वन बराबर आ जाएगा 9। सार्वंतर, सार्वंतर क्या है, डी। डी किस प्रकार निकालेंगे अपन, ए टू माइनस ए वन, मतलब दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा देंगे यदि अपन, तो अपने को सार्वंतर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। कितना आया, सार्वंतर आ गया अपने पास में 8। अब अपने को पता है कि एस एन बराबर क्या होता है, एन बटे में 2, 2 ए वन प्लस एन माइनस वन डी। ये फॉर्मूला होता है जहाँ पर ए वन प्रथम पद, एन मतलब पदों की संख्या और डी क्या होता है, सार्वंतर होता है। तो अब अपने को बेसिकली एन का मान ज्ञात करना है। अपने को जो जो ज्ञात है वो अपन मान रख देते हैं। तो एस एन ज्ञात है अपने को 636 इक्वल टू, एन का मान ज्ञात नहीं है तो एन बटे में 2, 2 ए वन, ए वन कितना है दोस्तों यहाँ पर, ए वन है 9 प्लस एन माइनस वन, डी के स्थान पर क्या रखेंगे अपन, 8। अब इसको सोल्व करते हैं अपन, तो यहाँ पर वज्रगुणा करेंगे अपन। तो 636 को अपन यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाएगा, 4 दूनी 12 का 2 हासिल करोगे, 3 दूनी 6 और 1 7 और 4 दूनी 12, 1272 इक्वल टू 9 दूनी 18। ये बाहर एन है प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8 एन माइनस, अब यहाँ पर देखो 18 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो 1272 इक्वल टू, अब यहाँ पर 18 में से 8 गया तो 10 बच गया, तो 10 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, 10n प्लस 8n है को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को बाहर निकालेंगे अपन, तो 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 636 इक्वल टू यहाँ पर 5n प्लस 4n। अब ये जो 636 है इसको दूसरी तरफ लेकर आएंगे अपन, क्योंकि यह द्विघात समीकरण बन चुकी है यहाँ पर अपने पास में। तो 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब अपने को 5n के इस प्रकार से टुकड़े करने पड़ेंगे कि अपने को जोड़ने और घटाने पर 5n मिल जाए अपने को, और गुणा करने पर क्या मिले अपने को, -636 × 636 × कितना मिले, 4 मिले। तो 4×24 का 4 हासिल कर दो, 4×3 12 और 2×14 का 4 हासिल करो, 1×4×24 = 25। कितना मिले अपने को, 2544, वो भी किसके, माइनस के। तो दोस्तों आपने सोच लिया होगा कि टुकड़े किस प्रकार होंगे, लेकिन अपन यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर टुकड़े आसानी से नहीं होंगे। तो अपन यहाँ पर सीधे आचार्य सूत्र का यूज़ करेंगे, तो वो होता है x = -b + √(b²-4ac/2a)। अपन इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और अपन मान ज्ञात करेंगे कि यहाँ पर n का मान क्या क्या आ सकता है। तो श्रीधर आचार्य सूत्र में यहाँ पर a क्या है, जो n स्क्वायर मतलब चर पद के स्क्वायर का जो गुणांक है वो होता है a, यहाँ पर b हो जाता है चर पद का गुणांक और c अचर पद हो जाता है। तो अपने को इस फॉर्मूले में मान रखना है, तो x मतलब x है यहाँ पर, तो लेकिन अपने को मान किसका ज्ञात करना है, n का। तो n बराबर -b का मतलब -5 प्लस -√(b²) यानी कि 5² - 4 × a। a का मान कितना है, 4 × c का मान कितना है दोस्तों यहाँ पर, -636 क्या आ रहा है, -636 आ रहा है। तो अपॉन 2a, a का मान कितना है, 4। तो n बराबर यहाँ से -5 प्लस -√(5²)/4 × 4 = 16 और -(-) + तो 16 के चिन्ह में 6 हासिल कर, 9 16 2 32 38 48 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, 57 का 7 हासिल का 5, 16 के चिन्ह में और 5 कितना हो जाएगा, चिन्ह में और 5 101। अब यहाँ पर 101 छिन्तर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर बटे में 8। तो n बराबर -5 प्लस -√(4
चार पाँच 11 को 1 हासिल को एक, 7 और 2 9 और 1 0 हासिल को एक, अरे 2 0। अब यहाँ पर कितना आ गया, 10,201/8, तो ये 10,201 होता है 211 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर होता है 200, क्या होता है 101 का स्क्वायर होता है, तो n बराबर -5 + -101/8। अब 101 बार अपन प्लस का लेंगे और एक बार माइनस का लेंगे 101 को, तो कहाँ पर करें, तो दोस्तों आप एक बार इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन आगे सॉल्व कर। अब यहाँ पर क्या दे रखा है अपने को, यहाँ पर माइनस का 5 + -101/8 आ गया, ये है n बराबर। अब n की दो वैल्यू आ गई यहाँ पर, -5 + 101/8 और n बराबर -5 - 101/8। यहाँ पर दो वैल्यूज आ गई अपने को n की, तो यहाँ पर -5 - 101 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 101 में से 5 जाएगा तो बचेगा दोस्तों यहाँ पर 96 - 8, तो यहाँ पर 8 × 8 = 16, n बराबर कितना मिला अपने को, 12 मिला, ठीक है। और यहाँ से n बराबर -106/8, तो क्या हो जाएगा, 106 हो गया ना, तो 8 × 8 या फिर 2 × 8, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, तो कितना आया, -53/4, n बराबर -53/4। तो दोस्तों यहाँ पर यह क्या है, एक पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो मतलब इस n के मान को अपन नहीं लेंगे, और यहाँ पर n ये पूर्ण संख्या है तो अपन मान लेंगे n बराबर 12। तो 12 पदों का योग कितना होगा दोस्तों, 636 होगा। आई होप की चीज़ आपके समझ आई होगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 दे रखा है और n पदों का योग दे रखा है 400। तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करना है। जो जो दे रखा है अपने को रखते हैं, A1 दे रखा है अपने को 5, An मतलब n वा पद दे रखा है 45 और Sn पदों का योग दे रखा है मतलब अपने को 400। कितना दे रखा है, 400 दे रखा है। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, एक तो सार्वंतर ज्ञात करना है और एक n का मान ज्ञात करना है। तो n बराबर भी क्या होगा और सार्वंतर क्या है वो अपने को ज्ञात करना है। तो जो पहले दे रखा है अपने को वो करते हैं, Sn बराबर दे रखा है अपने को, तो Sn बराबर क्या होता है, n/2। अब यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद यानी कि n, क्या। अब यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया दोस्तों, क्योंकि अपने को प्रथम पद दे रखा है और अंतिम पद दे रखा है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा लिया। तो अब इसके अंदर अपन मान रखते हैं, तो Sn बराबर है 400 / n/2, A1 कितना है 5 है प्लस An मतलब अंतिम पद क्या है 45, 45 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, 50 को 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 25 बार, तो 25 n = 400, तो n = 400/25, कितनी बार कटेगा ये, 25 × 25 = 150, तो n बराबर कितना आया, 16 आया। n का मान अपने को ज्ञात हो गया। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर किस प्रकार निकालेंगे अपन, अपने को n का मान ज्ञात है और an का पद ज्ञात है, तो an बराबर क्या होता है दोस्तों, a1 + n - 1, an बराबर होता है a1 + n - 1d, तो an दे रखा है अपने को 45 प्लस प्रथम पद दे रखा है अपने को 5 = 5 प्लस n का मान अपन ने ज्ञात कर लिया कितना आया, 16 - 1d अपने को ज्ञात करना है, तो यहाँ पर d रखेंगे, 16 - 1 कितना हो जाएगा, 15d = ये 5 दूसरी तरफ जाएगा, तो 45 - 5 = 40, तो d = 40/15, तो यहाँ पर 5 × 3 = 15, 5 × 8 = 40, कितना आया, 8/3, d = कितना मिला अपने को, 8/3। दोस्तों आई होप की चीज़ आपकी समझ आई होगी, यदि आपको समझ आए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय सियाराम।